गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लास। टुडे विल स्टार्ट अ चैप्टर नंबर 10 इन फिफ्थ क्लास ईवीएस, वाटर फ्लोस फ्रॉम अपसाइड टुवर्ड्स डाउन साइड, है ना। वाटर्स का जो फ्लो सिस्टम है वो पढ़ेंगे कि किस तरीके से अपवर्ड टू डाउनवर्ड कैसे पहुँचता है ना। सो इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी कि व्हाट इज़ अ इरिगेशन। इरिगेशन किसे बोलते हैं कि इरिगेशन वो मेथड होता है कि एग्रीकल्चर फील्ड्स को क्या करना है, वाटर प्रोवाइड करना है, क्रॉप्स को वाटर क्या करना है, प्रोवाइड करना है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि कुछ कभी क्यों तो क्या होता है, जब रेन्स आती ना, बारिश होती है, तो उसका जो वाटर होता है उसे हम क्या करते हैं, कलेक्ट, वो कलेक्ट हो जाता है रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में, है ना। इन सभी चीज़ों में क्या होता है, रेन वाटर कलेक्ट होता है। फिर उसके लिए क्या होता है, जब हमें वो वाटर कहाँ यूज होता है, जब हमें बहुत ही ज्यादा किसी कोई ऐसी क्रॉप ग्रो करते हैं जिसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा वाटर रिक्वायर्ड होता है, तब वो क्या करते हैं, हम वहां से वो वाटर एग्रीकल्चर फील्ड में यूज करते हैं। तो ऐसे प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, इरीगेशन। कि ऐसी एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, ऐसी क्रॉप में जहां पर एक्स्ट्रा वाटर रिक्वायर्ड होता है टू ग्रो अ क्रॉप, दिस इज कॉल्ड अ इरीगेशन, है ना। ये इरीगेशन वाला मेथड होता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जो ड्यूरिंग द रेनी सीजन क्या होता है, वाटर फ्लोज टू अपवर्ड टू डाउनवर्ड साइड, है ना। बारिश के आते से जैसे झरने आप लोगों ने देखे होंगे, झरना कैसे बहता है, ऊपर की तरफ से पूरा नीचे की तरफ होते हुए वाटर क्या आता है, फ्लो होता है ना। उसके अलावा फिर वो वाटरफॉल किस में, वो वाटर किस में जमा करते हैं हम, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में, है ना, ठीक है। अब इसके बाद में और फिर यही वाटर क्या आता है, हमारे डेली लाइफ में भी यूज़ होता है, मतलब प्यूरीफाई हो करके यही रेन वाटर जो रिवर्स में, लेक्स में, एक्सेट्रा, इन सभी जगह पर जहाँ पे वाटर क्या होता है कलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, अपने हाउस होल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम, प्रोवाइडिंग वाटर टू द फील्ड्स, यानी जहाँ पे क्रॉप्स होती है एग्रीकल्चर वगैरह फील्ड्स को प्रोवाइड करना। उसके बाद में है इरिगेशन थ्रू अ ट्यूबवेल, है ना। ये जो पॉइंट्स है कि आपके लोगों की बुक्स में पिक्चर्स के साथ दिए गए हैं, इसमें क्या होता है कि स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि वाटर क्या होता है पूरे पाइपलाइन सिस्टम के थ्रू होता है, और पूरे खेतों में क्या होता है, इस तरीके से फुहारे लाइक स्ट्रक्चर बना दिए जाते हैं और पूरे एग्रीकल्चर फील्ड्स के अंदर उसमें वाटर क्या दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। कभी कभी क्या यूज़ किए जाते हैं, फील्ड बना करके वहाँ पर क्या किया जाता है, वाटर प्रोवाइड किया जाता है क्रॉप्स को। कभी कभी क्या होता है, ट्यूबवेल के थ्रू द पाइपलाइंस के थ्रू क्या होता है, यूजिंग अ पाइप वगैरह यूज़ करके हम ट्यूबवेल से भी क्या कर सकते हैं, अपने क्रॉप फील्ड को, मतलब अपनी फसलों को क्या दे सकते हैं, वाटर दे सकते हैं ना। फिर उसके बाद में वी नाउ दैट द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एंड बावरीज आर ऑल्सो डीप। ये तो सब मेथड जो था वो हमने किसी जमा किया वाटर से, जैसे लेक से, रिवर से, वहाँ से वाटर पहुँचा दिया, इरीगेशन सिस्टम था, ट्यूबवेल सिस्टम था, ये सब तो हमें थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं आज की फील्ड में ना नाउडेज यूज होने वाले सिस्टम है। फिर लेकिन जिस वक्त इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, काफ़ी सालों पहले इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तब लोग क्या करते थे, वेल एंड बावरीज का वाटर क्या करते थे, यूज़ करते थे, किस लिए, खेतों की सिंचाई करने के लिए, मतलब वाटर को इरीगेशन वाटर करने के लिए, है ना। जैसे उसमें क्या था, एवरी क्रॉप नीड ऑफ वाटर समटाइम्स लेस एंड समटाइम्स मोर। मतलब क्या होता है कि कुछ फसल ऐसी होती है जिन्हें वाटर की क्या होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा वाटर लेती है, और कुछ क्रॉप क्या होती है, वाटर मतलब कम वाटर प्रोवाइड करने पर भी वो क्रॉप क्या होती है, अच्छे से ग्रो हो जाती है। एवरी क्रॉप नीड्स डिफरेंट क्वान्टिटी ऑफ वाटर। मतलब जितनी भी क्रॉप होती है, जो क्रॉप्स हमारी होती है, उन्हें अलग अलग टाइप के, अलग अलग क्वान्टिटी की क्या होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। इफ़ अ फार्मर्स नाउ, ये चीज़ें ना जो फार्मर होता है उन्हें बहुत ही अच्छे से पता होती है कि कौन सी वाटर, कौन सी क्रॉप को कितना वाटर चाहिए, कौन सी क्रॉप को कम वाटर में ग्रो हो जाएगी, ये इस चीज़ का नॉलेज फार्मर्स को बहुत ही अच्छे से होता है, ठीक है। वी दिस बीट यूज
दिस बेस्ट यूज ऑफ वाटर कैन बी मेड सम क्रॉप नीड मोर वाटर वाइल सम नीड लेट्स वाटर। जितना ही वो हम क्या करेंगे अपने क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स की उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, तो हमारी क्रॉप क्या होगी उतनी ही बेस्ट क्वालिटी की क्रॉप हमें मिलेगी। ठीक है, जैसे अभी कम वाटर में जो जिन ऐसे वाटर कैन बी वेस्टेज ऑफ वाटर कैन बी अवॉइडेड क्रॉप ऑफ राइस शुगर केन पेडी नीड मोर वाटर। जो राइस की क्रॉप होती है शुगर केन की होती है पेडी की जो क्रॉप्स होती है उन्हें क्या होता है वाटर्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। अदर देन वाइल्ड क्रॉप्स ऑफ पी ग्राम्स ऑनियंस कुकुम्बर नीड लेस वाटर। जैसे चने की पीस की कुकुम्बर की ऑनियन यानी कांदे की जो जो क्रॉप होती है उन्हें क्या होता है बहुत ही कम वाटर की क्या होती है ज़रूरत होती है और वो अच्छे से क्या होती है ग्रो भी हो जाती है। सो स्टूडेंट ये यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ रेचेस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे कि पहले के लोग क्या यूज़ करते थे रेचेस यूज़ करते थे वर्किंग ऑफ रेचेस है ना। ये क्या होता था एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता था जो वेल्स और बाउरीज के अंदर लगा दिया जाता था। इसमें क्या होता था कि जैसे जैसे मतलब प्रोसीजर होता था जैसे कहीं पे कुछ बाउरी बनी हुई है अंदर मतलब जो वेल्स वगैरह जो कुएं वगैरह बने हुए होते थे तो वहाँ पे क्या होता था ये रचेस जो होता था ये एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर है। किस तरीके का है व्हील स्ट्रक्चर है जैसे जो पहिए होते हैं ना उस तरीके के होते हैं। इसमें क्या होता है कि वो क्या करते थे उसको घुमाते थे या किसी बल्ब का यूज़ करते थे जैसे जान एनिमल्स का यूज़ करते थे और उसको घुमाने के लिए जैसे जैसे वो उसको यूज़ करते थे घुमाते थे उसमें से वाटर्स क्या आता था एक और अलग से उसके पीछे क्या यूज़ करते थे बकेट यूज़ करते थे तो जिसकी वजह से वो जैसे जैसे घूमता था उसमें से वाटर क्या आता रहता था वो अपवर्ड आता था मतलब नीचे होता था वाटर रैकेट्स के घूमने से धीरे धीरे रैकेट घूमता है वाटर क्या होता था अपवर्ड। इसके लिए बल्ब वगैरह भी यूज़ करते थे। ये कब होता था पहले के वक्त में होता था जिस वक्त ये डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ था मतलब जो ट्यूबवेल वगैरह उस वक्त नहीं हुआ होते थे ये जो स्प्रिंकलर जो सिस्टम है हमारा ये वाला ये उस वक्त नहीं होते थे। आज के टाइम पे तो नाउअडेज़ बहुत सारी मशीन्स वगैरह यूज़ कर होती है जिससे अच्छे से हम अपनी क्रॉप्स वगैरह को क्या कर सकते वाटर सप्लाई कर सकते थे। लेकिन ये जो रचेट्स वगैरह हो गए वेल्स एंड बाउरीज कब यूज़ होते थे जब इतनी मशीनों का डेवलपमेंट नहीं हुआ था उन दौरान हम क्या करते थे इन चीज़ों का यूज़ करते थे। तो उसके लिए एनिमल्स लेबर भी रिक्वायर्ड होते थे। उस वक्त लोग अपने हाथों से इस व्हील्स को क्या करते थे घुमाते थे फिर उसमें से बाकी वो वेल्स या बाउरीज में से क्या करते थे वाटर निकालते थे और फिर क्या करते थे खेतों की सिंचाई के लिए उसे यूज़ किया करते थे। लेकिन आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं इनका यूज़ आज भी कहीं ना कहीं होता है लेकिन इनमें क्या करते हैं थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा इलेक्ट्रिशियन पावर वगैरह यूज़ कर सकते करके इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज़ करके लोग क्या करते हैं इनका यूज़ करते भी है। और उसके अलावा ये क्या है ड्यू टू इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स बल्ब्स आर यूज लेस अनावडे। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होने से बल्ब्स का आज के टाइम पर क्या होने लगा है जो यूज़ है बहुत ही कम होने लगा है। एट द प्रेजेंट सम पीपल्स आर डूइंग स्मॉल एक्सपेरिमेंट टू इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय द रनिंग डायनामिक्स यूजिंग बल्ब्स। आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बल्ब्स को मतलब दौड़ा करके भी उसका उस तरीके से भी यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी वगैरह क्या कर सकते हैं करते हैं प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जिससे और अलग अलग तरीके की रिसर्च वगैरह हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स ये आप लोगों को इस चैप्टर्स में इतना ही था। अब आप लोगों को क्या करना है इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है एंड देन इसके जो क्वेश्चन आंसरिंग है पेज नंबर 80 के ऊपर वो आप लोगों को खुद से क्या करना है सर्च करके राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ बाय।